नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम अच्छी खबरों के शो गुड न्यूज इंडिया में। मैं हूं निखिल सिंह, मेरे साथ है मेरी सहयोगी शैला निकार। नमस्कार, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि गुड न्यूज इंडिया अच्छी खबरों का शो है, तो अगले आधे घंटे के लिए तैयार हो जाइए ऐसी खबरें देखने के लिए जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देंगी और आपके मन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार भी करेंगी। बिल्कुल, आम लोगों की खास कहानियां, आइए शुरू करते हैं गुड न्यूज इंडिया। और शो की शुरुआत में आपको दिखाएंगे महिला सशक्तिकरण की एक कहानी। महिला सशक्तिकरण इस तरह से कि महिलाएं खुद तो सशक्त हो ही रही हैं, समाज को और देश को भी सशक्त बना रही हैं। आपको लिए चलेंगे छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में, जहां गांव की महिलाएं समाज को नशा मुक्त करने के लिए और दूसरी कुरीतियों को दूर करने के लिए आगे आई हैं। जी हाँ, बिल्कुल, साधारण सी दिखनी वाली ये महिलाएं कोई आम महिलाएं नहीं है, बल्कि स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं जो दोहरी जिम्मेदारी निभा रही हैं। एक तरफ पुलिस की जिम्मेदारी निभा रही हैं और दूसरी तरफ लोगों को सामाजिक कुरीतियों से दूर करने के लिए सामाजिक अभियान भी चला रही हैं। लाल साड़ियों में साधारण से दिखने वाली ये महिलाएं कोई आम महिलाएं नहीं, बल्कि SPO यानी स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं, जिन्हें पुलिस विभाग की ओर से दोहरी जिम्मेदारी दी गई है। एक पुलिस ऑफिसर पर जहां समाज को अपराध मुक्त करने की जिम्मेदारी होती है, वहीं छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में ये महिला कमांडोज पुलिस से एक कदम आगे बढ़कर समाज को नशा और गंदगी से मुक्त करने की विशेष जिम्मेदारी संभाल रही हैं। दरअसल नशे और गंदगी के खिलाफ इन महिलाओं ने वर्ष 2006 में पद्मश्री शमशाद बेगम की अगुवाई में संगठित होकर इस अभियान की शुरुआत की थी। अब प्रशासन भी इस नेक काम में अपने हाथ बटाने में सामने आया है। पुलिस की ओर से अब तक बालोद जिले में लगभग 10,000 से ज्यादा संख्या में महिला कमांडोज तैनात किए जा चुके हैं। जिले के अलग अलग गांवों में कानून की रक्षा के तौर पर रोजाना इन महिलाओं की टोलियों को देखना अब आम हो चुका है। हाथ में डंडा लेकर और सीटी बजाकर सभी को सतर्क करती है महिला कमांडोज। रोजाना शाम ढलते ही ग्रामीण इलाकों में घूमती है और नशा करने वालों को रोकती है। वहीं सुबह ये महिलाएं गांव में स्वच्छता का संदेश भी देती हैं। इन महिलाओं की कोशिश अब रंग ला रही है। जब गश्त करते हैं तो गश्त करते हुए कोई भी अमर आते हैं उसको समझाते हैं, डांट दबाव करते हैं और लोग सब मान जाते हैं। हमारे गांव में कोई हुल्लड़बाजी झगड़ा लड़ाई कुछ भी नहीं हो रहा है। सब पीना खाना भी छोड़ दिया है, कहाँ पीते अपने घर और में पीते उसको भी तो नहीं जानते। हमारे गांव में कुछ मंद वन पकड़थन तो पुलिस दौड़े दौड़े आते, बहुत गांव वाले मन के सहयोग रहते। हम आज महिला कमांडो बने से SPO बने हैं, हम लोग बहुत फख्र महसूस होते हैं। इन महिलाओं के हौसले की उड़ान को पंख देते हुए जिला पुलिस बेहतर काम के आधार पर इन्हें पदोन्नत भी करती है। पिछले दिनों बालोद जिला पुलिस द्वारा मिशन पूर्ण शक्ति कार्यक्रम के तहत जिले की 100 और महिला कमांडोज को SPO को दर्जा दिया गया, जो अपने अपने क्षेत्र में सुपर पुलिस अधिकारी की तरह काम करेंगी और पुलिस के काम में अपना सहयोग देंगी। पुलिस के आला अधिकारियों ने इन महिला SPO को कर्तव्य प्रायणता की शपथ दिलाई। पुलिस का मानना है कि इन महिला कमांडोज के सहयोग की वजह से क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री सहित अन्य अपराधों में कमी आई है। करीब यहाँ पे 10,000 महिलाएं आई हुई हैं अलग अलग क्षेत्र से। कुछ लोग को हमने SPOs बनाया है। पुलिस अधीक्षक के पास ये अधिकार है, वो कितने कुछ समय के लिए SPOs बना सकते हैं। तो जो वो पुलिस को क्राइम प्रिवेंशन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए वो SPOs भी मदद करेंगे। इन महिलाओं की कोशिश रंग ला रही है। नशाबंदी से लेकर स्वच्छता के मामले में जबरदस्त सुधार हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन महिलाओं ने लोगों को जागृत किया है और कुछ कर गुजरने का हौसला दिया है। महिला कमांडोज दल का नारा है कि फूल नहीं चिंगारी है, छत्तीसगढ़ की नारी है। सचमुच आत्मविश्वास तो जागता ही है, महिला सशक्तिकरण की कहानी भी बयां करता है। गुड न्यूज इंडिया के लिए बालोद से मोहम्मद फारूक के साथ राघवेश पांडे की रिपोर्ट, DD News। तो शैला, आपने देखा कि बालोद की ये महिलाएं किस तरह से समाज को और लोगों को प्रेरित कर रही हैं, और सबसे खास बात यह है कि पद्मश्री शमशाद बेगम ने इसकी शुरुआत की थी और आज ये एक आंदोलन का रूप ले चुकी है और अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा की स्रोत हैं ये महिलाएं। बिल्कुल, और इसी तरह से प्रेरणा का स्रोत बना है गूंज नाम का एक फाउंडेशन, एक स्वयंसेवी संस्था। रोटी कपड़ा और मकान जैसे बुनियादी समस्या होती है, तो इसने कपड़े पे जोर दिया है। और हम तमाम अपने ऐसे कपड़े कई बार जो अनुपयोगी लगते हैं
उसको इधर उधर फेंक देते हैं, लेकिन गूंज नाम की संस्था ने इन कपड़ों का सदुपयोग करना शुरू किया है, इनको ग्रामीण इलाकों में जरूरतमंदों तक पहुंचाया है। और सबसे खास बात है कि ये गरीब महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके साफ सफाई से जुड़ा हुआ भी एक अभियान चला रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, एक गूंज से बदल सकती है जिंदगी, और कुछ ऐसी ही गूंज उठाई है इन लोगों ने। जो कपड़े हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, उन कपड़ों को गरीब लोगों तक पहुंचाना सचमुच एक अच्छा काम है, और वो भी उसको रिसाइकिल करके बहुत अच्छे तरीके से ये उसका सदुपयोग कर रहे हैं। आइए देखते हैं। आकर्षक और मनमोहक कपड़े हमारी पर्सनालिटी को निखारते हैं, तो कई बार जिन कपड़ों को खराब और बेकार मानकर हम फेंक देते हैं, वही कपड़े दूसरों के काम भी आ सकते हैं और दूसरों के जीवन में रंग भी भर सकते हैं। कपड़ों के सहारे हजारों लोगों की जिंदगियों में रंग भरने का काम कर रहा है एक गैर सरकारी संगठन, नाम है गूंज। गूंज यानी कि एक ऐसी धमक जिसमें मानवता का स्पर्श है, अपनेपन की भावना है और दूसरों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरने का जज्बा भी। हमारे और आपके उपयोग किए हुए कपड़ों को प्यार से सहेजने के साथ ही ग्रामीणों के विकास के लिए रचनात्मक ढंग से उपयोग करने की दिशा में गूंज का कोई सानी नहीं है। बात अगर सामुदायिक विकास की हो, कल्याणकारी कार्यक्रमों की हो, तो इस संगठन की गूंज हर तरफ सुनाई देती है। गूंज के पूरे काम का एक और बड़ा मकसद है, हम चैरिटी के बहुत खिलाफ हैं, हम मुफ्त में बांटने के बहुत खिलाफ हैं, क्योंकि हमको लगता है कि एक यदि आप खासतौर पर हिंदुस्तान के गांवों के लोगों की बात करेंगे, जो 70% आपकी आबादी है, मुझे लगता है कि उनका जो सबसे बड़ा एसेट है वो उनका स्वाभिमान है, वो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं तो कहता हूँ इज्जत से कमाने का भाव है। इस सफर की शुरुआत दरअसल आज से 18 वर्ष पहले 67 कपड़ों के साथ हुई थी। सपने बड़े थे और राह में रोड़े ज्यादा। मजबूत इच्छा शक्ति के साथ कुछ अलग करने और समाज को कुछ अनूठा देने की चाह में गूंज ने बहुत जल्दी अपना प्रभाव दिखाया। कपड़ा मुहैया कराने के मकसद से शुरू हुआ ये संगठन आज कई मामलों में विस्तार कर गया है। यहाँ जो भी सामान दूसरों को दिया जाता है उसे दान नहीं समझा जाता, बल्कि सौभाग्य समझकर सम्मान से जोड़ा जाता है। कहते हैं ना, जहाँ सम्मान हो वहाँ सब कुछ संभव है। हम लोग तो इस काम में पिछले 18 साल से लगे हैं, और एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत बड़ा उसका इम्पैक्ट है सफाई पर, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोगों के कचरे पे ही काम कर रहे हैं, सेकेंड हैंड मटेरियल पर काम कर रहे हैं, जो रीयूजेबल है, जो दोबारा इस्तेमाल हो सकता है, उस पर काम कर रहे हैं, और हम लोग बहुत बुनियादी चीजों पर काम कर रहे हैं। इन मुस्कुराते चेहरों के पीछे गूंज का ही कमाल है, और ये भी कि महिलाएं अब अपनी निजी स्वच्छता का भी खास ध्यान रख पाती हैं। गूंज बेहद पिछड़े इलाकों में भी गया, जहां महीने के कुछ खास दिनों में महिलाओं के दिन भय और गंदगी और बीमारी में बीतते थे। इन लोगों ने उन्हें स्वच्छता का पाठ तो पढ़ाया ही, साथ ही साथ पुराने कपड़ों को रिसाइकिल करके बनाए गए सैनिटरी पैड्स भी उन्हें मुहैया करवाए। हर एक महिला को एक कपड़े की जरूरत है, आज आप उसे सैनिटरी पैड कहें, टेम्पोन कहें, कप कहें, जो मर्जी बोलते रहिए। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आज से 10-12 साल पहले यदि आप मेरी तरह गूगल पे गए होते और आपने सैनिटरी पैड, सैनिटरी नैपकिन कुछ भी टाइप किया होता, तो हिंदुस्तान में कोई भी मेजर रिसर्च अवेलेबल नहीं थी, कोई सोल्यूशन नहीं था, कोई प्रोडक्ट नहीं था। यदि आप हिंदुस्तान के एक एवरेज गांव की बात करेंगे और वहां की हर लड़की और महिला एक सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना शुरू करे, तो उसको कम से कम 3-4 हज़ार सैनिटरी पैड हर महीना चाहिए। तो मतलब हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि यदि हमने कोई इनोवेशन नहीं की, हमने यदि कोई और उपाय नहीं खोजा, 50,000 प्लास्टिक की शीट एक गाँव में हर साल जमा होंगी। व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ गूंज से जुड़े लोगों का सार्वजनिक स्वच्छता पर भी खास जोर रहा है। यहाँ लोगों को काम करने के बदले कपड़े दिए जाते हैं, ये इसकी सफलता ही कह सकते हैं कि अब दूर दराज के गांवों में बच्चे और बच्चियों के स्वर गूंजने लगे हैं। बेकार कपड़ों का कारगर इस्तेमाल, स्वच्छता तो है ही, शिक्षा और रोजगार भी है, यानी कह सकते हैं कि आम के आम और गुठलियों के दाम।
गूंज ने ये साबित कर दिया है कि छोटी छोटी कोशिशों से बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। गुड न्यूज इंडिया, टीडी न्यूज। तो वाकई काबिले तारीफ है इनका ये अभियान, एक गूंज से तमाम जरूरतमंदों की जिंदगी बदल गई है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तब आपको ले जाएंगे मुंबई और मिलवाएंगे एक खास बच्चे से, नाम है दिव्येश। सुबह का सही आगाज, ताजा खबरों के साथ, सुर्खियों के आईने से देश विदेश की सही तस्वीर, और दिन के हर पहलू पर नजर। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद गुड न्यूज इंडिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब आपको मिलवाते हैं मुंबई के एक ऐसे परिवार से जिनके लब खामोश हैं लेकिन उनके दिल और आंखें बहुत कुछ कह जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा है दिव्येश, जिसके कारनामे सचमुच बहुत खास हैं। बिल्कुल, कारनामे बहुत खास है और अपने जैसे तमाम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है दिव्येश। और सबसे खास बात है कि जन्म से ही ये दिव्यांग थे लेकिन इन्होंने अपने में परिवर्तन लेकर आए हैं और अब बहुत लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, संगीत से लेकर के एड फिल्मों तक में काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कुछ खास कर रहे हैं दिव्येश। शिक्षक मास्टर बोलते हैं मुझे मेरे नए स्कूल में, ये जिंदगी बहुत हसीन है, एक आम इंसान इसे जैसे चाहे वैसे बिताता है, लेकिन किसी दिव्यांग के लिए ये जिंदगी जितनी हसीन है उतनी ही मुश्किलों भरी भी। ये है दिव्येश का परिवार जिनके लब खामोश हैं लेकिन दिल और आंखें बहुत कुछ कह जाती हैं। जी हाँ, इस 8 साल के बच्चे दिव्येश का पूरा परिवार ना तो सुन सकता है और ना ही बोल सकता है। दिव्येश के माता पिता शैलेंद्र और स्वाति ने कभी अपनी कमी को तवज्जो नहीं दी। स्वाति और शैलेंद्र एक ही स्कूल में पढ़े थे, दोनों ही बोल और सुन नहीं पाते थे, इसलिए दोनों की बॉन्डिंग अच्छी जमती थी। मी बालमन शाळेत आहे, तर मी जन्मापासून मला ऐकू येत नव्हतं, तर माझं कॉक्लर इम्प्लांट असं, मुझे जन्म से सुनाई नहीं देता था लेकिन सर्जरी के बाद मैं सही से सुन सकता हूँ। अभी मुझे सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, अभी मैं मेरे दोस्तों के साथ खेल सकता हूँ और बहुत सी एक्टिविटीज में भाग लेता हूँ। कभी कभी जब मैं मम्मी पापा के साथ शॉपिंग जाता हूँ और वो कुछ समझ नहीं पाते तो मैं उनको समझाता हूँ, और जब शॉपकीपर उनकी बात नहीं समझ पाते तो मैं उनके साथ भी कम्युनिकेट करता हूँ जिससे वो समझ जाएं। मैं तबला सीखता हूँ, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है और डांस करना भी अच्छा लगता है। स्वाति की बड़ी बहन चित्रा नहीं चाहती थी कि जिन तकलीफों से उनकी बहन गुजरी है उसी तकलीफ से दिव्येश भी गुजरे, इसलिए चित्रा ने दिव्येश की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। दिव्येश का इलाज हुआ और एक सर्जरी के जरिए वो काफी हद तक ठीक भी हो गया। कोक्लियर इम्प्लांट के बाद दिव्येश अब सुन पाता है। दिव्येश जब हमारे पास आया हिंदुजा हॉस्पिटल में तो वो 2 साल की उम्र का था, 2.5 साल की उम्र में उसकी कॉक्लियर इम्प्लांट की सर्जरी हुई। उसके पहले उसे हमने श्रवण यंत्र लगा के कोशिश की कि क्या इसको श्रवण यंत्र से मदद होती है, मगर उसकी जो डेफनेस की इंटेंसिटी थी वो अति तीव्र थी, और अति तीव्र जब भी बहरेपना है तो उसमें हियरिंग एड काम नहीं देता, इसलिए ये डिसीजन लिया गया कि उसका ऑपरेशन किया जाए, कॉक्लियर इम्प्लांट किया जाए। दिव्येश अब आम बच्चों की तरह जिंदगी जीता है, वो अब आम बच्चों की तरह एक्टिविटीज में हिस्सा लेता है। दिव्येश ने कई एड फिल्में भी की हैं। क्रिकेट खेलना और तबला बजाना दिव्येश को बहुत पसंद है। ऐसे बच्चों को जो ऑपरेशन करना चाहते हैं उसके लिए मैं उनको बोलूं कि ऑपरेशन जो होता है वो डॉक्टर जी का कमाल होता है, और बाद में हमारा जो एफर्ट्स होता है उनको सिखाने का, पढ़ाने का, उनको पीछे लगा रह के उनके हिसाब से उनको बढ़ाने का, ये उसके लिए हमारा 75% हमारा जो काम है वो घर के लोगों का होता है। अब ये परिवार एक नए अभियान पर है।
ये है लोगों के बीच कॉक्लियर इम्प्लांट को लेकर जागरूकता फैलाना, ताकि जो लोग इस समस्या से ग्रस्त हैं, उन्हें भी दिव्येश की तरह एक नया मौका मिल सके। दिव्येश और उनका परिवार इस बात की प्रेरणा है कि हालात कैसे भी हों, हौसला और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। गुड न्यूज इंडिया के लिए मुंबई से तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दिव्येश ने दिखाया है कि आखिर किस तरह से एक सार्थक परिवर्तन लाया जा सकता है अपने जीवन में, जरा सी मेहनत के साथ, जरा सी लगन और कोशिश के साथ में। और अब मुंबई से ही आपको एक और नायाब कहानी दिखाते हैं। आपने देखा होगा कि नशाखोरी में डूबे जो युवक हैं वो किस कदर परेशान रहते हैं। दरअसल शहला, नशाखोरी कहीं ना कहीं पूरे समाज को, देश को, युवाओं को खोखला बना रहा है, और इससे लड़ने का एक नायाब तरीका निकाला है मुंबई के एक संगीतकार ने। जी हाँ बिल्कुल, संगीत के जरिए नशे से छुटकारा, कुछ ऐसा ही विचार है डीजे रोशन का, जो ये चाहते हैं कि लोग संगीत के नशे में डूब जाएं, क्योंकि संगीत की स्वर लहरियों में डूबने से बढ़कर और क्या नशा हो सकता है। संगीत के जरिए नशा मुक्ति अभियान सुनकर ताज्जुब हो रहा होगा, लेकिन ये सच कर दिखाया है मुंबई के डिस्को जॉकी रोशन मनसुखानी ने। रोशन ऐसे लोगों को म्यूजिक एक हॉबी के तौर पर देते हैं, और ये थेरेपी बेहद कारगर साबित होती है। ये किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर से कम नहीं है। जी हाँ, ड्रग्स के खिलाफ लड़ते हुए सपनों के शहर मुंबई में एक संगीतमय मोड़ मिला। मुंबई में रोशन मनसुखानी ने संगीत के जरिए लोगों को ड्रग्स से निजात दिलाने का काम किया। मनसुखानी लोगों को संगीत के जरिए मेफेड्रोन से निजात दिला सकते हैं। बेसिकली ये जो एडिक्शन है बच्चों में, नंबर वन स्टार्ट होता है एक्सेसिव कंप्यूटर्स, बैड कंपनी, हॉबीज मिस होते हैं बच्चों को। आई मीन दे डोंट हैव हॉबीज आजकल की तारीख में। सो बेसिकली मैं उनको म्यूजिक के स्टाइल से मैं उनको ऐसे एक हॉबी देता हूं कि वो इनबिल्ट उनमें ही होता है। दे हैव द टैलेंट इन देमसेल्व्स। सो और जब हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं, वी टॉक मच मोर बेटर, हेल्दी बात करते हैं, एंड देन वो खुद रियलाइज करते हैं कि ये हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके जो इफेक्ट्स है आर वेरी बैड। एंड फ्रॉम देयर वी ट्रेन देम ब्यूटिफुली एंड रिजल्ट्स आपके आगे हैं। मनसुखानी को हमेशा से ही संगीत की लगन थी, और इसीलिए उन्होंने लोगों को डीजे बजाना सिखाया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसका सार्थक इस्तेमाल किया जाए। फिर क्या था, डीजे रोशन ने शुरू कर दी अपनी मुहिम। वो इस विचार के साथ तब आए जब उन्होंने दो लोगों को पूरी तरह से नशे से निजात दिला दी। डीजे रोशन अपने विद्यार्थियों को संगीत से प्यार करना सिखाते हैं, और उन्हें समझाते हैं कि वे बहुत प्रतिभावान हैं। वो उन्हें सिखाते हैं कि किस तरह से वो रचनात्मक बन सकते हैं। विद्यार्थी भी उनका प्यार चाहते हैं, और साथ ही वे चाहते हैं कि उन्हें वयस्कों की तरह जिम्मेदार बनाया जाए। पहले हमें नहीं पता था कितना एडिक्टिव होगा, हमने सिर्फ सोचा था एक बार ट्राई करेंगे इस चीज को। तो उसने, हम लोगों ने पहली बार किया, तो हमने पहली बार किया तो हमें अच्छा लगा, तो हमने एक और बार किया, दूसरी बार, तीसरी बार, फिर वो चलते गया जैसे हम लोग एडिक्ट हो गए थे। तो फिर हम लोगों को सर मिले, उन्होंने ऐसे बोला कि ज्वाइन करो होगा, तो हमने ज्वाइन किया। फिर मैं पहले ड्रग्स के इसमें था आदत में, पर म्यूजिक जब से मैंने स्टार्ट किया तभी से मैं ड्रग्स की आदत छूट चुकी है, और अभी मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। आई थिंक अपने पेरेंट्स के साथ एक अच्छा रिलेशन निभाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने पापा को बोला कि मेरे फ्रेंड्स ड्रग्स में थे, बट ऐसा कोई रिएक्शन निकला ही नहीं जैसे मैंने सोचा था। मैं सोच रही थी उनसे ये छुपाओ कि वो बोलेंगे कि ये नहीं, इनके साथ मत हैंग अराउंड करो, कि मत खेलो इनके साथ, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनका रिएक्शन उल्टा बहुत डिफरेंट था। उन्होंने कहा कि उनको ऊपर बुलाया, हम म्यूजिक सेशन स्टार्ट करते हैं। मनसुखानी मानते हैं कि संगीत से बड़ा कोई नशा नहीं होता। वो पूरी तरह से तैयार हैं और उत्साहित भी ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ने के लिए जो संगीत के जरिए नशा मुक्त कराती हैं। गुड न्यूज इंडिया के लिए मुंबई से तबस्सुम मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। और बात करते हैं अपने अन्नदाता यानी किसानों की, जो देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और इसके लिए आपको लिए चलेंगे बेल्लारी, जहां के मौसम के बारे में कहते हैं कि यहां ज्यादातर सूखा रहता है और इसके लिए किसानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अब उन्होंने अपने मशक्कत से, अपनी लगन से एक नई इबारत लिखी है, एक नई सोच पैदा की है और एक नई फसल भी लगाई। फसल क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं निखिल, ये इन किसानों की मेहनत और परिश्रम का ही नतीजा है कि इन्होंने एप्पल बेर की खेती करना शुरू किया, जिसकी वजह से ये लोग अब संपन्न हो रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अब ये लोग इसे बाहर एक्सपोर्ट करने के बारे में भी सोच रहे हैं, जिससे यहाँ के किसानों का पलायन भी अब रुक गया है। एप्पल बेर, ये हरे हरे रसदार बेहद मीठे फल देखकर किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। दरअसल ये हरे सेब जैसे दिखने वाले फल सेब नहीं बल्कि बेर हैं। और कश्मीर में नहीं बल्कि बेल्लारी जैसे सूखा ग्रस्त इलाके में इनकी पैदावार हो रही है। कर्नाटक में बेल्लारी जिले को हर साल सूखा पीड़ित घोषित किया जाता है और किसान सबसे ज्यादा मुसीबत में होते हैं। लेकिन अब यहाँ के किसानों के हाथों एक ऐसी गुड न्यूज लगी है जिसके जरिए अब खुशहाली इस इलाके में आ रही है। बांग्लादेश और थाईलैंड में मशहूर एप्पल बेर की खेती से अब यहाँ के किसान हर साल लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। इतना ही नहीं, अब ये किसान यहाँ की उम्दा फसल एक्सपोर्ट करने की तैयारी में लगे हैं। हमें इस पेड़ को उगाने में ज्यादा खर्च नहीं आता और मुनाफा तो बहुत ही ज्यादा है। इस पेड़ की खेती में कोई दवा डालने की जरूरत भी नहीं होती। दरअसल अक्सर सूखे से त्रस्त रहने वाले यहाँ के किसानों ने ऐसी फसल लगाने की सोची जिसमें ज्यादा सिंचाई की जरूरत ना पड़े और उपज भी अच्छी हो। ऐसे में काफी रिसर्च के बाद उन्होंने एप्पल बेर की खेती शुरू की। एक बार पौधे लगा देने के बाद एक महीने तक पानी देने की जरूरत नहीं होती। यह बेल्लारी के किसानों के लिए बड़ी राहत की बात है। इतना ही नहीं, इन पौधों को कीटनाशक दवाइयों की भी जरूरत नहीं होती, जिसके चलते खर्च भी बचता है। इन किसानों के मुताबिक एक एकड़ जमीन पर इस फसल को बोने के लिए अगर 1,00,000 रुपए खर्च किए जाएं, तो इससे 5,00,000 रुपए तक का मुनाफा हो सकता है। यानी कम निवेश और ज्यादा मुनाफा। हमें पता लगा कि कोलकाता के कुछ किसान बांग्लादेश और थाईलैंड वैरायटी के एप्पल बेर की खेती से ढेरों मुनाफा कमा रहे हैं। हमने खुद वहां जाकर इस खेती के तरीके सीखे और अब हम सब भी खूब मुनाफा कमा रहे हैं। एप्पल बेर सेब की तरह बड़ा होता है और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी लगभग सेब की ही तरह होती है। एप्पल बेर की शेल्फ लाइफ भी ज्यादा होती है और ये जल्दी खराब नहीं होते। इस फल का कई आयुर्वेदिक दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है और ये फल सेहत के लिए भी फायदेमंद है। इस फल की सफल खेती के चलते अब यहाँ के किसान इसे विदेशों में बेचने का जरिया ढूंढ रहे हैं। यानी एप्पल बेर ने किसानों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव किया है। इसकी खास वजह है किसानों की मशक्कत और उनकी लगन, जिसके जरिए वे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के साथ ही इस इलाके को बदलने में जुटे हुए हैं और इसकी सार्थक शुरुआत हो चुकी है। गुड न्यूज इंडिया के लिए बेल्लारी से आयशा खानम की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दर्शकों, हम बात कर लेते हैं आपके ईमेल्स की, आपके पत्रों की। बड़ी संख्या में आपके ईमेल्स हमें मिल रहे हैं और हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं आपके ईमेल्स। इसी तरह से हमें खत लिखते रहिएगा, हमारा हौसला बढ़ाते रहिएगा। लेकिन सारे ईमेल्स हम शामिल नहीं कर सकते हैं अपने इस कार्यक्रम में समय की कमी होने की वजह से, लेकिन कुछ ईमेल्स को हमने जरूर अपने कार्यक्रम में शामिल किया है, आइए वो देखते हैं। उर्मिल शर्मा लिखते हैं, आपका कार्यक्रम देखा और पूरे विश्वास से ये कह सकता हूँ कि ये आसमान में चमकते सितारे की तरह है। ये कार्यक्रम हमें एक अलग दुनिया में ले जाता है और आत्मविश्वास जगाता है। पूरी टीम को हृदय से बधाई।
शीशपाल सिंह गुरुग्राम से लिखते हैं, बेहद प्रेरणादायक कहानियों के लिए धन्यवाद। ब्रेकिंग न्यूज के बीच अच्छा शो। कैथल से स्वच्छ भारत की खबर प्रेरित करती है, लोगों को प्रेरणा और दिशा की जरूरत है। प्रिया सोनी मंडीदीप मध्य प्रदेश से कहते हैं, आपका कार्यक्रम सचमुच बहुत प्रेरणादायक है। मैं अपने पूरे परिवार के साथ इसे हर इतवार देखता हूँ। ये समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। पी बग्गा लिखते हैं, बेहतरीन कहानियाँ, शानदार प्रस्तुतिकरण, बधाई। इसी के साथ गुड न्यूज इंडिया के हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। लेकिन आप सभी को हमारा ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप हमें यूं ही लिखते रहिए। आपके ढेरों फीडबैक्स हमें प्राप्त हो रहे हैं और बहुत अच्छा भी लग रहा है। लेकिन आगे भी ऐसे ही फीडबैक्स का हमें इंतजार रहेगा। हमारा ईमेल आईडी है dd.goodnewsindia@gmail.com। तो दोस्तों, इस ईमेल आईडी पर आप ज़रूर अपने खत लिखते रहिए, अपने रिएक्शंस भेजते रहिए। लेकिन उसके अलावा अगर आपके पास कुछ गुड न्यूज़ हो, कुछ अच्छी खबरें हो, तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। उसके अलावा कुछ गुड न्यूज़ के वीडियोस हो, तो वो भी आप हमें इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम अपने कार्यक्रम में उसे ज़रूर स्थान दें। तो हमारे आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।